23 मई को मतगणना होनी है, लेकिन ईवीएम बदलने के खतरे ने दूसरे राजनीतिक दलों की नींद खत्म कर डाली है। मुरादाबाद के नवीन मंडी में भी ईवीएम की सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात है, लेकिन अन्य राजनीतिक दलों में ये खलबली है कि कहीं रात में ईवीएम न बदल दिए जाए। इसके लिए सपा बसपा कार्यकर्ता रात दिन मंडी के बाहर नजर आते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और किसी तरह की चूक ना हो। जी, क्या नाम आपका? लालू परवेश। मतलब कौन सी पार्टी से? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, लोहियावानी का जिला अध्यक्ष हूँ। आपकी कमेटी द्वारा आपको क्या निर्देश मिले, कैसे बैठे? हमें निर्देश ये मिले हैं, हम यहाँ मंडी समिति में हमारी ड्यूटी लगाई गई है, मशीनों पे पूरी निगरानी हम लोग रखे हुए हैं और यहाँ पे 12 घंटे की ड्यूटी हम लोगों ने 4-4 घंटे की लगा रखी है, जिससे हमारी 10 बजे से 2 बजे तक की ड्यूटी है और 2 बजे से 6 बजे तक की लोगों की और की लगा रखी है। पूरे 12 घंटे की ड्यूटी यहाँ पर तत्काल हम लोगों की है, निगरानी पूरी रखने की नहीं है। अच्छा, यहाँ मुरादाबाद पुलिस के जवान भी मौजूद हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है, क्या देख रहे हैं? नौजवान पुलिस यहाँ पे पूरी सुरक्षा पर नज़र रखे हुए हैं लोग, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, सारे नौजवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ईमानदारी से और यहाँ किसी ऐसे आदमी को एंट्री नहीं हो सकती है बिना पास के, जैसा हमारे पास पास बना हुआ है तो यहाँ कोई बिना पास के एंट्री कर नहीं सकता, न किसी की एंट्री हो सकती है यहाँ पे। यहाँ हर चीज़ की चेकिंग हो रही है, कौन अनजान कोई नया आदमी आ रहा है, कैसे आया, कैसे घुसा अंदर, तो पूरी निगरानी रखी हुई है यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या पद है आपका? मैं जिला अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी लोहियावानी का। जी डॉक्टर साहब, अभी हमने देखा स्ट्रॉन्ग रूमर जहाँ ईवीएम रखी है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तैनात हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि इस पिछले 5 साल में भरोसे एक दूसरे के ऊपर बहुत कम होते चले गए हैं, बेईमानियों का बोलबाला है और जिस तरह की खबरें पूरे हिंदुस्तान से आ रही हैं, कहीं ईवीएम पकड़ी जाती है, कहीं पर अलग जगह पड़ी मिलती है, तो इससे ये अंदेशा होता है कि कहीं ना कहीं इसमें रिगिंग तो नहीं हो रही, ईवीएम बदली तो नहीं जा रही, या इनके कैलकुलेशंस को या इनकी जो रीडिंग है उसको चेंज तो नहीं किया जा रहा। इसलिए स्ट्रांग रूम के बाहर हम सब लोगों ने पहले ही दिन से अपने लोगों को लगा रखा है ताकि ईवीएम के अंदर कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए और कोई भी बेईमानी करने की जरूरत ना की जाए।